Hey guys, welcome back to my channel. Myself Rajushman Chatterjee, and here we are back with a new video. So let's discuss some very short answer type questions of our chapter 9, reproduction in animals. Now we have 6 very short answer type questions. So we are gonna discuss all the 6 questions which are present in the reproduction in animals chapter 9. Now let's start our video. Now, the first question of this chapter is, although two cells called gametes fuse, the product form is a single cell called zygote. Justify. मतलब दो cells अगर fuse करते हैं तो zygote form होता है, हम लोग को तो यही पता है. We have discussed this thing. So, हम लोग कैसे होता है? Justify it. Now, the answer is, this question is very good. Let's discuss this. So, during fertilization, only the nucleus of the sperm moves into the egg cell and fuses with the egg nucleus to form the zygote. The sperm degranates. The sperm degranates. मतलब suppose एक बार process आप लोगों को बता दे दो. Suppose this is the egg. इधर से sperm आ रहा है. Barely, I'm just drawing it barely. Sperm आया. फिर उसका जब एंटर किया, सिर्फ उसका हेड एंटर करता है और इधर जो एग है उसके साथ फ्यूज करता है. और जो टेल पार्ट है उसका तो काम हो गया. हम लोग को टेल का फंक्शन क्या है? लोकोमोशन. टेल एक से बिछड़ जाता है और हेड सिर्फ अंदर जाता है, बाकी टेल अंदर नहीं जाता है. सिर्फ ये हेड पार्ट ही अंदर जाता है. इसलिए इधर क्वेश्चन है, ऑल्दो दो सेल्स कॉल्ड गैमेट्स फ्यूज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन सिंगल सेल. तो ऐसे ही होता है क्योंकि ये दो फॉर्म होके इसका तो टेल रिलीज हो जाता है बाहर. सो इसलिए सिर्फ हेड और एग ही रहता है. इसलिए द आंसर इज ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ओनली द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म मूव्स इन द एग सेल एंड फ्यूजेस विद द एग न्यूक्लियस टू फॉर्म द जायगोट. द स्पर्म डिग्रेनेट्स. ये चीज ही मैंने एक्सप्लेन किया. Now moving on to the second question, the stages in the life cycle of a silkworm are given below. Stages in the life cycle of a silkworm are given below. Write them in sequential order. So, ये है question हम लोग का. Pupa, silkworm, egg, silkworm. इसको हमें सजा के लिखना है. सजा के कैसे लिखते हैं? फर्स्ट स्टेप क्या होता है? एक हर चीज का एग. ये तो ओविपेरस एनिमल है तो फर्स्ट स्टेप इज एग. सेकंड स्टेप सिल्कवर्म. सिल्कवर्म तो होगा, हम लोग का मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस तो हम लोग यही सीखे थे. उसके बाद प्यूपा, जो व्हाइट कलर का एक कवरिंग में होता है ना प्यूपा, उसे हम लोग प्यूपा बोलते हैं. देन हो जाता है एडल्ट. एडल्ट को हम लोग सिल्क मॉथ भी कहते हैं. फिर वो सिल्क मॉथ एग ले करता है. फिर देन ये प्रोसेस देन फिर से एक प्रोसेस. इस प्रोसेस को हम लोग मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं. ये सर्कुलर प्रोसेस वाटर साइकिल की तरह ऐसा ये भी है ना. क्वेश्चन नंबर थर्ड. इन मार्केट्स एग ऑफ बर्ड्स आर अवेलेबल बट नेवर एग्स ऑफ डॉग्स. व्हाई? अब देखो मार्केट्स में एग ऑफ बर्ड्स, हेंस डक्स बर्ड्स होता ना, अवेलेबल होता तो बर्ड्स का एक खाता नहीं. लेकिन इधर बर्ड्स मतलब हेन और मुर्गी के अंडे को, मतलब हेन और डक को इधर बोला गया है एग ऑफ बर्ड्स मतलब. सो ये तो मार्केट में अवेलेबल होता है, लेकिन डॉग्स का क्यों नहीं होता? क्योंकि बर्ड्स आर ओविपोरस एनिमल्स एंड dogs are viviparous animals. Are viviparous animals do not lay eggs. Dogs are viviparous, but birds are oviparous. Oviparous. Birds oviparous. Oviparous मतलब the animals which lay eggs. और viviparous मतलब example humans, dogs, बोलो
एक ले नहीं करते, डायरेक्ट एक बेबी को बर्थ देते हैं. सो दैट इज नोन एज विविपेरस एनिमल्स एंड ओविपेरस एनिमल्स. इसमें हम लोग को डिफरेंस भी मिल गया एविपेरस और विविपेरस में. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द एग ऑफ अ फ्रॉग डू नॉट हैव शेल्स फॉर प्रोटेक्शन येट दे आर सेफ इन वाटर हाउ. देखो ये चीज बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई लाइक दिस क्वेश्चन बिकॉज एग्स ऑफ, मतलब थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, इसलिए ये थोड़ा सा बेस्ड प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है और थोड़ा सा घुमा के देखे. लेकिन आंसर इजी, देखो आंसर्स कितने इजी होते हैं, आंसर्स को सब देखो बहुत इजी होते हैं आंसर्स, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा घुमा के फिरा के होता है. सो आंसर हम लोग पहले आंसर जान लेते हैं फिर एक्सप्लेन करेंगे. अ लेयर ऑफ जेली कवर्स द एग ऑफ अ फ्रॉग एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, एक लाइन का आंसर. इसे अगर दो तीन मार्क्स का हुआ तो इसे हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे. सॉरी, नाउ वी कैन एक्सप्लेन दिस. अ लेयर ऑफ जेली कवर्स द एग ऑफ फ्रॉग एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, मतलब एक एग जो होता है, हम लोग को क्या होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है फ्रॉग्स में, एग पानी में रहता है, उसके बाद जो मेल गैमेट है स्पर्म को वाटर में रिलीज कर दिया जाता है, फिर फ्यूजन होके एक एग प्रोड्यूस होता है, फर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस होता है. मोर स्पेसिफिकली फर्टिलाइज्ड एग बोलना वरना रॉन्ग हो जाएगा. सो उस एग के बाहर क्या होता है, जेली जैसा कवरिंग हो जाता है. बट डायग्राम सपोज देखो बहुत सारे एग होता है ना, एग एग इधर एग इससे ज्यादा एग इधर 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 बहुत सारे एग, तो इधर ना एक ऐसा जेली 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 चीज हो जाता है पूरा बाहर, पूरा एकदम ऐसा हॉचपॉच हो जाता है, पूरा जेली जेली हो जाता है. और ये जेली काम करता है प्रोटेक्शन में, प्रोटेक्ट, ये चीज ही प्रोटेक्ट करता है इस एग्स को, इन एग्स को ये जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करता है. वाटर में तो बहुत सारे चीज हो सकता है ना, इससे एग्स को प्रोटेक्ट करता है. नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हाट डू यू, व्हाई डू ओनली मेल गैमेट्स हैव अ टेल, मेल गैमेट्स का टेल क्यों जरूरत होता है, क्योंकि मेल गैमेट्स जो स्पर्म उसका टेल से वो लोग फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं. मतलब हम लोग अगर ज्यादा स्पेसिफिकली बोलते हैं तो मेल गैमेट को फीमेल बॉडी के अंदर लोकोमोट करना होता है, मतलब मूव करना होता है, जाके फैलोपियन ट्यूब में जाना होता है, उसके बाद एक उधर रहता है उसके साथ फ्यूज करता है. अब मेल गैमेट को तो मूव करना पड़ता है, तो जब वजाइना में इंसर्ट होता है उधर से तो उसको फैलोपियन ट्यूब में जाना पड़ता है, लेकिन फीमेल गैमेट को तो जाना नहीं पड़ता ना, इसलिए फीमेल गैमेट्स में टेल नहीं होता. और टेल का काम है लोकोमोशन के लिए, और टेल सिर्फ लोकोमोट करके, मैंने अभी बताया कि वो उसके बाद बाहर ही चला जाता है, हेड अंदर चला जाता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, व्हाट डज द गिवन फिगर रिप्रेजेंट, इस फिगर से हमें क्या पता चलता है. देखो ध्यान से देखो, ये फिगर कैसा फिगर है, इरेगुलर फिगर, इसे हम लोग एमीबॉइड शेप बोलते हैं. रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म यूज्ड इन हायर स्टैंडर्ड्स, इसे हम लोग एमीबॉइड शेप बोलते हैं. अब इस एमीबॉइड शेप में क्या हो रहा है, एमीबॉइड शेप में दो न्यूक्लियस दिखा रहे हैं, एक ये और एक ये, और इधर बीच में देखो दोनों अलग हो रहे हैं. इससे हमें क्या पता चलता है, इसमें बाइनरी फ्यूजन हो रहा है. ये देखो तो इधर एक सेल है, इधर से एक सेल है, तो एक सेल से दो डिवाइड हो रहा है, इससे हम लोग बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं. सो वी हैव डिस्कस सिक्स क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ दिस रीचिंग द सॉरी रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स चैप्टर. सो दिस इज इट फॉर द वीडियो, आई थिंक यू हैव एंजॉयड. सो गिव योर एग्जाम्स वेरी नेसेसरी, बट दिस questions are also very necessary for CBSE and these are taken from NCERT books. So thank you very much.